तो रिकोशेट ने WWE को छोड़ दिया है और अंकल आउडी हमें नेक्स्ट वीक रॉ पर देखने को मिलने वाले हैं। ऐसी ही काफी सारी न्यूज अपडेट लेके आ गए हैं आपके लिए। स्वागत है आपका रेसलिंग ब्रो में, मेरा नाम है ऋषभ। जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं वीडियो को। तो पॉल हेमन ने ये कंफर्म कर दिया है कि जब तक रोमन रेंस WWE में नहीं आएंगे तब तक ट्राइबल चीफ की गद्दी पर सोलो सिकोवा का ही राज रहेगा और टामर टोंगा सोलो सिकोवा की तरह ट्राइबल चीफ के राइट हैंड होंगे। आपको दी अंडरटेकर और एज स्टाइल का बोनयार्ड मैच तो याद ही होगा। इस मैच को फिल्म होने में 12 घंटे से भी ज्यादा का समय लगा था। ड्रू मैकइंटायर ने बताया है कि क्लैश ऑफ द कैसल में रोमन रेंस से हारने के बाद टाइसन फ्यूरी के साथ जो उन्होंने सॉन्ग गाया था वो मोमेंट ड्रू मैकइंटायर की पूरी लाइफ का वर्स्ट मोमेंट था। एक अच्छी न्यूज ये भी है कि नेक्स्ट वीक हमें रॉ पर अंकल हाउडी देखने को मिलने वाले हैं। WWE लेजेंड रिकोशी को ऐसा लगता है कि समर स्लैम में रोमन रेंस और सोलो सिकोवा के बीच हमें मैच देखने को मिल सकता है। इस वीक की रॉ पर हमें देखने को मिला कि रिकोशेट बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि रिकोशेट ने WWE को छोड़ दिया है। रिकोशेट का ऐसा करना मुझे सही भी लग रहा है क्योंकि रिकोशेट WWE में पिछले 5-6 सालों से वर्क कर रहे हैं। रिकोशेट एक बहुत ही टैलेंटेड रेसलर है लेकिन WWE ने कभी भी रिकोशेट का पूरा पोटेंशियल यूज नहीं करा है। अभी फिलहाल रिकोशेट तो WWE से चले गए हैं लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड सामंथा WWE का पार्ट है। AEW फाइट फॉरएवर में हमारे एडम कॉपलैंड का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि रैंडी ऑर्टन को लगता है कि ऑस्टिन थ्योरी को वर्ल्ड चैंपियन होना चाहिए। ऐसा होना मुमकिन भी है क्योंकि WWE ने ऑस्टिन थ्योरी को लेकर बहुत बड़े प्लान सेट करे हैं। हमारे जेफ हार्डी इस वीक TNA में रिटर्न करने वाले हैं। कोडी रोड्स के बड़े भाई डस्टिन रोड्स 55 इयर्स के हो चुके हैं और कमाल की बात यह है कि वो अभी भी हार्डकोर मैचेस में रेसलिंग कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। WWE से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।